चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंडा से विधायक राजा भैया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए राजा भैया पर कुंडा में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं कि कुंडा में कहीं ना कहीं गलत मतदान यानी फर्जी मतदान डाले जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रामाणिकता के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसके बाद राजा भैया ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि जो वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया है वो वीडियो दरअसल हरियाणा में 2019 का है, जिसके बाद से ये ट्विटर वॉर बेहद दिलचस्प हो चला है। और इसके बाद अखिलेश यादव को अपने ट्विटर अकाउंट से वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। तो देखा आपने कि किस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी उतना ही लड़ा जा रहा है, और हर दल के नेता कहीं ना कहीं जनता के सामने कुछ ना कुछ सबूत पेश करके जनता को लुभाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।